नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं आपके सामने गौरव निरंजन, प्रत्येक बार की तरह इस बार भी पूरी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने आया हूं। आपको प्रतिष्ठित नौकरी जिसकी तलाश में आप हैं और जिस कारण से आप हमसे जुड़े हुए हैं, उसी को आगे, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, उसी यात्रा को बढ़ाते हुए ये आज का प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने आपको यूपी स्पेशल के प्रश्न कराए थे और आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। यहां से हम इंडियन ज्योग्राफी के यानी भारतीय भूगोल के मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नों को हल करेंगे। किसी एक टॉपिक से प्रश्न नहीं लिए गए हैं, ये प्रत्येक टॉपिक से एक दो प्रश्न लिए गए हैं। भारतीय नदियां भी हैं, भारतीय झीलें भी, सबसे प्रश्न लिए गए हैं, ठीक ना। तो लेवल 1 है, बहुत सिंपल से प्रश्न है, देने की कोशिश कीजिएगा। 25+ आने चाहिए, 25+ आने चाहिए। और बाद में लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और बाद में जब पूरा हो जाएगा प्रश्न तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आइएगा तो बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। और प्रश्न नंबर 1 है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर निर्मित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चेनाब, रावी, ब्यास और झेलम। चेनाब, रावी, ब्यास और झेलम, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं तुलबुल परियोजना की, तो देखिएगा तुलबुल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तुलबुल परियोजना जो है वो जिस राज्य में है उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी प्रवाहित होती है, जम्मू कश्मीर राज्य में एक नदी प्रवाहित होती है, नदी का नाम है झेलम नदी। इस झेलम नदी से एक नदी आकर मिलती है, नदी का नाम है किशनगंगा, और किशनगंगा नदी मिलती है और यहीं पर जम्मू कश्मीर में इस नदी पर, किस नदी पर, झेलम नदी पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। इसी परियोजना से जम्मू कश्मीर के शासित राज्य को किसकी प्राप्ति होती है, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो तुलबुल परियोजना अगर नदी पूछी जाए तो झेलम नदी पर है, राज्य पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर है, परंतु अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित राज्य है, तो वो केंद्र शासित राज्य पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। आइएगा प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर किस पहाड़ी पर है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत का एरिया है ये वाला भाग, ये तीनों ओर से क्या है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके तीन ओर पानी होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो चाहे दक्षिण भारत कहा जाए या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाए, एक ही बात है। चाहे दक्षिण भारत कहा जाए आपसे और चाहे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाए, एक ही बात है। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची अगर चोटी पूछी जाती है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, तो देख लीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और ये अनाईमुड़ी चोटी जिस पर्वत पर है उस पर्वत का नाम है अन्नामलाई पर्वत। किस पर्वत पर है, तो ये अन्नामलाई पर्वत पर है, और अन्नामलाई पर्वत जो है, ये अन्नामलाई पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। अन्नामलाई पर्वत कहां पर है, तो अन्नामलाई पर्वत जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्य की क्या है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। कहां है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो अन्नामलाई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अन्नामलाई पर्वत, ठीक ना। चलिएगा, आइएगा प्रश्न नंबर 2 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्न नंबर 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करती है, 10 डिग्री चैनल पृथक करती है मध्य अंडमान को दक्षिणी अंडमान से, लघु अंडमान को कार निकोबार से, लघु निकोबार को बृहद निकोबार से, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम चैनल क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो देखिएगा ये भारत देश है हमारा, यहां पर ये हमारा भारत देश है। अगर हम बात करें भारत के सबसे निचले पायदान से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो भारत के सबसे निचले पायदान से 8 डिग्री 4 मिनट गुजरता है, और उसके नीचे कहीं ना कहीं विषुवत रेखा है, यानी 0 डिग्री है। तो 0 है, 0 के ऊपर 1 है, 2 है, 8 है, 8 के ऊपर यहां पर 9 डिग्री होगा कहीं ना कहीं, और 9 डिग्री के ऊपर कहीं ना कहीं यहां पर 10 डिग्री होगा। तो 9 डिग्री के ऊपर कहीं ना कहीं यहां पर क्या होगा, 10 डिग्री। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, समझाने के लिए बनाए थे, अब इसको हम मिटा देते हैं, समझिए बातों को। तो यहां पर अंडमान निकोबार के अंतर्गत 4 अंडमान है, ठीक ना, और 3 निकोबार है, ये द्वीप समूह है।
उत्तरी अंडमान है, बृहद अंडमान है, ठीक ना, दक्षिणी अंडमान है, मध्य अंडमान है, इस प्रकार से कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, बृहद निकोबार है, इस प्रकार से तो अंडमान है और निकोबार है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे बाद में है और जो सबसे पहले है, इन दोनों के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है 10 डिग्री। जिसका नाम क्या है? 10 डिग्री। अगर इस कार निकोबार की बात करते हैं तो एक कार निकोबार है, एक क्या है, एक कार निकोबार है, इसके बाद बृहद निकोबार है और यहां पर ग्रेट निकोबार है। अगर यहां पर बात करें तो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और यहां पर है लघु अंडमान। कौन सा है? तो यहां पर है लघु अंडमान। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है और जो अक्षांश रेखा गुजरती है, इस अक्षांश रेखा का नाम है 10 डिग्री अक्षांश रेखा। अब सर चैनल क्या होता है? तो अगर चैनल की बात करते हैं तो दो जमीन के टुकड़े और उन जमीन के टुकड़े के मध्य में जल होता है, उसी को क्या नाम दिया जाता है? उसी को नाम दे दिया जाता है चैनल। यानी दो जमीन के टुकड़े के मध्य में जो पानी होता है, उस पानी को हम चैनल नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक अक्षांश रेखा गुजर रही है 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में पानी भी है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया 10 डिग्री चैनल। क्या नाम दे दिया गया? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में, किसमें है? लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो भाई, क्लियर है बात? है ये सारा कुछ लेखपाल के बैच में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है बखूबी ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, बखूबी चीजें आपको समझाई गई हैं। आइएगा इसके बाद प्रश्न नंबर 3 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, और प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? अगर हम द्वीप की बात करते हैं तो द्वीप यानी हमारी आम भाषा में टापू, द्वीप यानी हमारी आम भाषा में टापू। तो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो, उसे टापू या उसी को क्या नाम दिया जाता है? तो उसी को नाम दिया जाता है द्वीप। तो किस द्वीप पर है मुंबई? तो मुंबई जो है वो जिस द्वीप पर है, अंडमान पर तो है नहीं, ना ही निकोबार द्वीप पर है। अगर हम बात करें कलाम द्वीप, तो कलाम द्वीप जो है इसी को व्हीलर द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था, उड़ीसा में है। लेकिन इस व्हीलर द्वीप का नाम हमने हमारे महान वैज्ञानिक, ठीक ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर हमने इस व्हीलर द्वीप का नाम कलाम द्वीप रख दिया, जो कि उड़ीसा में है। तो एक बचा आपके पास कौन सा? सालसेट द्वीप। तो सालसेट द्वीप पर ही महाराष्ट्र में मुंबई शहर स्थित है। सालसेट द्वीप पर ही महाराष्ट्र में कौन सा शहर है? मुंबई शहर स्थित है। और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है इंडिया की, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 4 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइएगा प्रश्न नंबर 4 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ये 4 नदियां हैं, ताप्ती, महानदी, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, अभी अभी भी हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का है या दक्षिण भारत का है, एक ही बात है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखें तो यहां से कर्क रेखा गुजरती है और यहां पर हम महत्वपूर्ण नदियों को बनाएंगे। अभी आगे वाली दिशा पूर्व होती है और पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है। अगर आप पूर्व से पश्चिम में देखेंगे तो यहां पर आपको दो महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं, एक नदी का नाम है नर्मदा नदी और दूसरी नदी का नाम है ताप्ती। एक नदी का नाम है नर्मदा और दूसरी नदी का नाम है ताप्ती। उसके बाद यहां पर एक नदी इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से बहती है, यहां पर उड़ीसा में आकर अपना डेल्टा बनाती है। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है महानदी। एक नदी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर अपना डेल्टा बनाती है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है गोदावरी। एक नदी और है जो महाराष्ट्र के क्षेत्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर अपना डेल्टा बनाती है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। और एक जो महत्वपूर्ण नदी है यहां पर अपना डेल्टा बनाती है पूर्वी तट पर, इस नदी का नाम है कावेरी। तो यही 6 नदियां हैं दक्षिण भारत की जिनसे बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी पूर्व में बह रही है, कौन सी नदी पश्चिम में बह रही है। तो आप देख लीजिएगा, 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो पूर्व से कहां की ओर आ रही हैं, पश्चिम की ओर आ रही हैं। बकाया ये 4 नदियां जो बनाए हैं, नर्मदा महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है,
ये नदियां पश्चिम से कहां की ओर जा रही हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं। अब प्रश्न क्या आ रहा है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, यानी पूर्व की पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है? तो ताप्ती और नर्मदा तो पूर्व से पश्चिम बहती है, तो कौन सी नदी हुई इनमें से, तो इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहेगी पश्चिम से पूर्व, उस नदी का नाम महानदी। इन चारों में यानी इन तीन नदियों में सही हो जाएगी, चौथे नंबर में तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो सही आंसर महानदी। बोलो भाई, रिवाइज हो रही ना चीजें, ये सारी बातें आपको क्लास में बखूबी से समझाई गई है। प्रश्न नंबर 6, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु क्या है, यानी कहां पर आकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिल जाते हैं? तो देखिएगा, अगर हम पूर्वी घाट की बात करें और पश्चिमी घाट की, तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, जबकि पूर्वी घाट जो है वो टूटा हुआ है पहाड़ियों के रूप में। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट यहां पर आकर मिल जाते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं, और जहां पर आकर ये पूर्वी और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं इसको एक नाम दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, इसलिए नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जोड़, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जोड़ मिलान बिंदु या गांठ। आप देखते हैं ना, दो रस्सियां होती हैं, रस्सी को बांधने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें गांठ लगा देते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु क्या है, जोड़ क्या है, या इनकी गांठ किसको कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे, नीलगिरी पर्वत को या नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 6 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर सात आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है, कौन सी पहाड़ी है इनमें से जो मेघालय में नहीं है, कौन सी पहाड़ी जो मेघालय में नहीं है? अगर हम मेघालय की पहाड़ियों की बात करते हैं, तो मेघालय में उनकी जनजातियों के आधार पर तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं मेघालय में। एक पहाड़ी है जो सबसे पश्चिम में है, गारो पहाड़ी। एक पहाड़ी है जो मेघालय में सबसे पश्चिम में, गारो पहाड़ी। मध्य में जो है इसका नाम है खासी पहाड़ी, गारो खासी। और जो पहाड़ी सबसे पूर्व में है इसका नाम है जयंतिया, तो गारो खासी और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियां हैं। कहां पर हैं? तो ये तीन पहाड़ियां मेघालय में है। उसके बाद गिरनार पहाड़ी जिसमें एक ऑप्शन है, तो ये मेघालय में नहीं है। गिरनार पहाड़ी अगर बात करें कि गिरनार पहाड़ी कहां पर है, तो ये गुजरात में है, काठियावाड़ प्रायद्वीप पर। गुजरात में जो क्षेत्र है एक काठियावाड़ प्रायद्वीप है, यहां पर गिरनार मांडव पहाड़ियां हैं। कौन सी है? गिरनार मांडव पहाड़ियां हैं। कहां पर? गुजरात में। तो जो प्रश्न दिया गया है, कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है, तो कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? गिरनार पहाड़ी में से मेघालय में नहीं है, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, नदियों से लिया गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदियां ऐसी नदियों को कहा जाता है जो अपना पानी किसी दूसरी नदी को दे दें, उस नदी को सहायक कहते हैं। अगर हम गंगा और यमुना की बात करते हैं, तो ये गंगा नदी बह रही है इस प्रकार से, और मान लीजिएगा यहां पर प्रयाग है, यानी आधुनिक इलाहाबाद, तो यहीं पर गंगा नदी के समांतर बहती हुई एक नदी आती है, और प्रयाग में आकर किससे मिल जाती है? गंगा से। इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम यमुना है, और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम गंगा है। तो यमुना नदी अपना पानी गंगा को दे देती है प्रयाग में, और प्रयाग के आगे आपको कहीं पर भी यमुना नहीं दिखाई देती है। तो कौन सी दिखाई देती है? गंगा, अर्थात एक ऐसी नदी जो अपना जल किसी दूसरी नदी को दे दे और अपना जीवन समाप्त कर दे, उसे हम सहायक नदियां कहते हैं। बेतवा नदी की बात करें, तो बेतवा नदी मालवा पठार से होते हुए यमुना नदी से इटावा नामक शहर में आकर मिल जाती है, ठीक ना। कौन सी? सॉरी, चंबल नदी है। ये कौन सी है? ये चंबल नदी मिलती है यहां पर। अगर बात करें बेतवा, तो बेतवा नदी
बुंदेलखंड पठार से होते हुए हमीरपुर में जाकर, कहां पर? हमीरपुर में जाकर एक कहां मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। और कौन सी है? केन नदी। तो केन नदी भी यमुना नदी से जाकर मिल जाती है और जहां पर मिलती है बांदा। तो ये जो चंबल, बेतवा और केन नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन नदियां हैं, ये किस नदी से जाकर मिल जाती हैं? यमुना। तो एक किसकी सहायक नदी होंगी? यमुना की। और यमुना किस नदी से जाकर मिल जाती है? गंगा से। तो यमुना किसकी सहायक हो गई? गंगा की, ठीक ना। उसके बाद अब एक बची रामगंगा। तो इनमें से गंगा की सहायक नदी नहीं है, सॉरी यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो सीधी सी बात है रामगंगा। रामगंगा नदी की अगर बात करें तो कुमायूं हिमालय से निकलती है, कुमायूं हिमालय से निकलती है और कन्नौज के क्षेत्र में आकर, कन्नौज के क्षेत्र में आकर एक किस नदी से मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहां पर? कन्नौज के क्षेत्र में आकर एक गंगा से मिल जाती है। नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है रामगंगा। नदी की बात करें तो इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है रामगंगा, ठीक ना, रामगंगा नदी। आइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8 के बाद प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि फर्न नामक या फर्न किस प्रकार की वनस्पति है? वनस्पतियों से लिया गया है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों से। अगर हम बात करें फर्न की, तो फर्न एक कटीली वनस्पति होती है जिसमें क्या पाए जाते हैं? जिसमें कांटे पाए जाते हैं। तो फर्न जो है वो किस प्रकार की वनस्पति है? तो फर्न एक कटीली वनस्पति है। फर्न के अलावा जैसे नागफनी है आपका, जैसे बेर है आपका, जैसे खजूर है आपका, जैसे कैक्टस है। तो ये सभी जो झाड़ियां हैं या जो वनस्पति हैं, ये सभी वनस्पति जो आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो कटीली वनस्पति या कटीली झाड़ियों के अंतर्गत शामिल है। कटीली वनस्पति या कटीली झाड़ियों के अंतर्गत शामिल होती हैं। कौन सी? जो ये लिखे हैं, फर्न है, नागफनी है, बेर है, खजूर है, और कौन सा लिखे हैं? कैक्टस, ठीक ना। तो फर्न किस प्रकार की वनस्पति है? या ये कटीली वनस्पति है। किस प्रकार की? कटीली। आइएगा प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। रेगुर मृदा के नाम से जाने जाने वाली मृदा कौन सी है? बिल्कुल पहला लेवल है, लेवल संख्या 1 है, बहुत सिंपल प्रश्न है। लेवल 2 आएगा उससे ज्यादा प्रश्न टफ होंगे, लेवल 3 आएगा उससे ज्यादा टफ प्रश्न होंगे, ठीक ना। तो रेगुर मृदा के नाम से जाने जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़, लाल, काली या लैटराइट। देखिएगा, अगर बात करते हम रेगुर मृदा की, तो रेगुर मृदा जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर मृदा एक स्थानीय नाम है, कहीं कहीं पर इसे रेगुर या कहीं कहीं पर इसे रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें काली मिट्टी की प्रॉपर्टी की, तो काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, और कपास की खेती किए जाने के कारण इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। कपास की कृषि किए जाने के कारण कपासी मृदा कहते हैं। काली मिट्टी में जल की अधिकता होने पर गीली हो जाती है, सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें बन जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है इसे। और इसका एक नाम उष्णकटिबंधीय चरणोजम मृदा भी होता है, चरणोजम सॉइल, चरणोजम मृदा भी इसका नाम है। और एक नाम जो आपके सामने लिखा है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, रेगुर या रेगुड़ मृदा, रेगुर या रेगुड़ मृदा, ठीक ना, रेगुर या रेगुड़ मृदा, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इतने काली मिट्टी के सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर 10 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, गलती होने की संभावना देखें। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम स्थान क्या है? भारत की मुख्य भूमि, देखिएगा यहां पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर हम भारत बनाएं तो ये हमारा भारत देश हो गया, लेकिन यहां पर एक हमारा द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और एक हमारा यहां पर द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार है। तो भारत का अगर आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि, तो भारत की मुख्य भूमि में हम द्वीपों को शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि द्वीप जो होते हैं जमीन के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनके चारों ओर पानी है। हो सकता है कि आज तो ये समुद्र में ऊपर निकले हुए हैं, हो सकता है कि कल के दिन जब वाटर लेवल बढ़ जाए, कल के दिन जब वाटर लेवल बढ़ जाए तो ये हो सकते हैं डूब जाए, हो सकते ये डूब जाए। तो जब डूब जाएंगे तो ये द्वीप नहीं रह पाएंगे, तो हम इसलिए इन्हें मुख्य भूमि में शामिल नहीं करते हैं। तो अगर भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम स्थान पूछा जाएगा,
तो भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम स्थान आप कन्याकुमारी बताएंगे, क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को एक नाम से और जाना जाता है, और कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, कैप कैमोरिन। कन्याकुमारी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, कैप कैमोरिन। तो भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम स्थान कन्याकुमारी है। अगर मान लीजिएगा यहीं पर प्रश्न को वो थोड़ा सा परिवर्तित कर दे आपसे, यहीं पर अगर वो ऐसा पूछ ले कि भारत का, केवल भारत का मुख्य भूमि नहीं, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान, तो आप भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान जो है वो बताएंगे इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणतम स्थान बताएंगे वो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, और इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो उपरोक्त प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो कन्याकुमारी होगा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12। गंगा की एकमात्र सहायक नदी का नाम बताएं जो पठार से निकलती है। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था चंबल गंगा की सहायक नदी नहीं है, पठार से जरूर निकलती है, लेकिन चंबल जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद बेतवा, बेतवा भी पठार से निकलती है, लेकिन यह भी किसकी सहायक नदी है, वो नदी है यमुना। उसके बाद गोमती, तो गोमती नदी की अगर बात की जाए तो गोमती नदी गंगा नदी की सहायक तो है, लेकिन एक गोमती नदी सहायक तो है गंगा की, लेकिन पूछ रहा पठार से, तो गोमती नदी का जो उद्गम है वो मैदान में स्थित फुलर झील है, तो ये मैदान से निकलती है। अगर बात करें फुलर झील कहां पर है, तो फुलर झील जो आपकी है वो पीलीभीत जिले में है। फुलर झील कहां पर है, पीलीभीत में है। और अब बात करें सो नदी, तो ये भी नहीं होगी। अब बात करें सो नदी की, तो एक ही ऑप्शन बचता है सो नदी। और सो नदी की अगर हम ऑरिजिनेट यानी उद्गम की बात करते हैं, तो सो नदी जिस पठार से निकलती है उस पठार का नाम है अमरकंटक। किस पठार से निकलती है, तो सो नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, और अमरकंटक पठार से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड, उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए यह नदी कहां पर जाकर मिल जाती है, बिहार की राजधानी पटना के समीप गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोन नदी, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोन नदी, तो सोन नदी इसका सही आंसर, ठीक ना, याद रखनी है बातें आपको, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 के बाद आइएगा प्रश्न नंबर 13। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? देखिएगा अमरकंटक पठार जिसका अभी हमने वर्णन किया था, अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, फैला हुआ है, दो नदियां निकलती हैं, एक उत्तर दिशा में बहती है, एक पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का नाम नर्मदा है जो पूर्व से पश्चिम में बह रही है, और जो उत्तर दिशा में चली जाती है उसका नाम सोन है। तो नर्मदा नदी जब आगे बढ़ती है तो मध्य प्रदेश में जबलपुर नामक शहर में, जबलपुर नामक शहर में संगमरमर की पहाड़ियां हैं, भेड़ाघाट की पहाड़ियां, वहीं पर ये तीन जलप्रपातों का निर्माण करती है। एक का नाम धुआंधार है, एक जलप्रपात का नाम कपिलधारा है, धुआंधार कपिलधारा, और एक जलप्रपात का नाम जो है वो है दुग्धधारा। तो कपिलधारा, धुआंधार और दुग्धधारा जलप्रपातों का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो नदी का नाम है नर्मदा। कहां पर निर्माण करती है? जबलपुर शहर में। कहां पर? जबलपुर शहर में। जबलपुर शहर कहां पर है? तो याद रखना है ये जबलपुर शहर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। कहां पर है? मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 के बाद आइएगा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सबसे धनी पठार कौन सा है, यानी भारत का वह कौन सा प्लेटू है जहां पर मिनरल्स, जहां पर खनिजों की अधिकता पाई जाती है। तो याद रखिएगा प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो भारत का वह पठार जिससे सर्वाधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है उस पठार का नाम छोटा नागपुर पठार है, और सर्वाधिक खनिज की प्राप्ति होने के कारण ही इसे भारत का खनिज हृदय कहा जाता है। इससे भारत का क्या कहा जाता है? इससे भारत का खनिज हृदय कहा जाता है, मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि जिस राज्य में है उस राज्य का नाम, तो जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है झारखंड।
जिस राज्य में उस राज्य का नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम है झारखंड राज्य। तो ये छोटा नागपुर पठार भारत का सर्वाधिक खनिज प्राप्ति या सर्वाधिक यहां से खनिजों की प्राप्ति होती है, नाम छोटा नागपुर, राज्य का नाम झारखंड, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्न पर्वतों में, ये पर्वतों के कुछ नाम है, काराकोरम पर्वत, पीर पंजाल पर्वत, मसूरी पर्वत और मैकाल पर्वत, पूछ रहा है निम्न में से भिन्न कौन सा है, निम्न में से कौन सा भिन्न पर्वत है। तो अगर हम बात करें काराकोरम, पीर पंजाल, मसूरी और मैकाल, तो काराकोरम पर्वत, पीर पंजाल पर्वत और मसूरी पर्वत, काराकोरम, पीर पंजाल और मसूरी पर्वत की अगर बात करें तो ये पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। ये पर्वत जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। और जबकि मैकाल पर्वत की बात करते हैं, किस पर्वत की बात करते हैं, मैकाल, तो मैकाल पर्वत जो है वो सतपुड़ा पर्वत का भाग है जो छत्तीसगढ़ झारखंड के सॉरी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मैकाल पर्वत जो है वो जिस पर्वत का भाग है या जिस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है वो है सतपुड़ा। तो भिन्न कौन सा हो गया इसमें से, मैकाल, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत में है, ये हिमालय के क्षेत्र में है, या ये हिमालय पर्वत के अंतर्गत आते हैं, टॉप तीन ऊपर के जो तीन लिखे हैं, और ये किसमें आता है, ये सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना। आइएगा तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ऊटी नामक पर्यटन स्थल, ऊटी नामक पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर, राज्य ने पूछ रहा है। ऊटी, जिसको ऊटक मंडलम के नाम से भी जानते हैं, इसकी संज्ञा जो है वो उत्तर भारत के मसूरी से की जाती है। इसकी जो संज्ञा है या इसकी जो तुलना है वो उत्तर भारत के मसूरी नामक स्थान से की जाती है जो बड़ा फेमस है, जहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत के लोग पिकनिक मनाने ऊटी या ऊटक मंडलम शहर में जाते हैं, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। पूछ रहा है किस पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पर, पालिनी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर या इलायची पहाड़ी पर। तो ऊटी या ऊटक मंडलम जो है वो जिस पहाड़ी पर है उसका नाम है नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी पर है ऊटी या ऊटक मंडलम। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऊटी या ऊटक मंडलम नाम का जो पर्यटन स्थल है वो किस राज्य में है, तो राज्य आपको याद रखना है, ये जिस राज्य में है राज्य का नाम है तमिलनाडु। और अगर पहाड़ी पूछा जाए या पर्वत पूछा जाए तो पहाड़ी या पर्वत का नाम क्या है, तो पहाड़ी या पर्वत का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है, नीलगिरी। बोलो भाई बात क्लियर है, बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर निर्मित है, भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर निर्मित है। तो सबसे पहले हम पुल को जान लेते हैं, भारत का जो सबसे लंबा पुल है उसका नाम क्या है। तो भारत का जो सबसे लंबा पुल है उस पुल का नाम भूपेन हजारिका है, भारत का जो सबसे लंबा पुल है उस पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल है। कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल है, लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 9 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है लोहित नदी पर निर्मित है, असम को अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में का एक स्थान है ढोला और असम का एक क्षेत्र है सदिया, तो ढोला सदिया पुल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ढोला सदिया पुल या भूपेन हजार का पुल, ढोला सदिया या भूपेन हजार का एक ही नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है ढोला सदिया पुल। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सी नदी, लोहित नदी, कौन सी नदी, लोहित नदी, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 27 के बाद प्रश्न नंबर 28 सॉरी प्रश्न नंबर 17 के बाद प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, जाड़े के समय में अर्थात शीत ऋतु में, जाड़े के समय में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है। देखिएगा, जाड़े के समय में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है। अगर बात करें तो ये तमिलनाडु है, अगर बात करें तो ये देखिएगा ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये वाला, यहां पर केरल राज्य है और यहां पर तमिलनाडु राज्य। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कुछ पहाड़ियां हैं, और जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है
तो दक्षिण पश्चिम मानसून को ये पहाड़ियां रोकती हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून पहाड़ियों से टकराता है और केरल के क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा कर देता है। उसी प्रकार ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहा है, इसलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून है। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में वर्षा कर रहा है? यहां पर केरल। उसी प्रकार शीत ऋतु में जब यहां से मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है, इन्हीं पहाड़ियों से टकराता है और तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा करता है, और इस मानसून का जो नाम है ये उत्तर, यानी इस प्रकार से आता है उत्तर से और पूर्व दिशा से आता है, उत्तर और पूर्व दिशा से आता है, इसलिए इस मानसून का नाम उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून है। उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं इसे, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ मानसून के द्वारा जाड़े के मौसम में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, और तमिलनाडु की अगर तटीय क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो कोरोमंडल तट दे दे या तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र दे दे, किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है? तो जिस मानसून के द्वारा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या नाम है? उत्तर पूर्वी मानसून है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मानाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अभी चर्चा में भी है मानाला दर्रा। तो मानाला दर्रा बात करें तो मानाला दर्रा जो है वो जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मानाला नीतिला लिपुलेख दर्रे है, जबकि अगर सिक्किम की बात करें तो नाथुला जोलपला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग बारालाचा सिपकिल्ला दर्रा है, और कश्मीर में तो कई सारे हैं, पीर पंजाल है, बुरजिल्ला है, जोजिला है, काराकोरम है, तो कई सारे दर्रे हैं। तो मानाला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। मानाला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को कहां से जोड़ता है? तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ता है। उत्तराखंड से यदि कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाता है तो उसे इसी दर्रे से या तो यहां पर मानाला और या यहां पर नीतिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। तो मानाला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उस राज्य का नाम है उत्तराखंड, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 19 के बाद प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 19 के बाद प्रश्न नंबर 20। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किससे कहते हैं? प्रश्न आउट हो चुका है, ये प्रश्न हम पहले बताए थे। काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी की अधिकता होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें बनती हैं, और सूखने पर इसमें दरारें बन जाती हैं, और दरारें जब इसमें बन जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हल से इसमें जुताई कर दी हो, हल से जैसे इसमें किसी ने जुताई कर दी हो, और जुताई करने के कारण ही यह प्रक्रिया अपने आप होती है, इसलिए नाम दे दिया गया स्वतः जुताई वाली मृदा। क्या नाम दे दिया गया? नाम दे दिया गया स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 के बाद पांच प्रश्न अभी और हैं। प्रश्न नंबर 20 के बाद 21। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है और तिब्बत में इसको एक नाम दिया जाता है, तिब्बत में इसको नाम दिया जाता है सांगपो। तिब्बत के बाद यूटर्न लेती है, नामचावारबा पर्वत से भारत में आती है, और भारत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इसे देहांग नदी कहा जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है? देहांग। और भारत के बाद ये बांग्लादेश में पहुंचती है, और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में से एक नाम दे दिया गया, और बांग्लादेश में से नाम दे दिया गया जमुना नदी। क्या नाम दे दिया गया? जमुना नदी। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। और जब जमुना और पद्मा मिल जाती हैं तो कौन सी नदी का निर्माण कर देती हैं? मेघना नदी का। और मेघना नदी ही अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? अपना पानी गिराती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, ठीक ना। आइएगा प्रश्न नंबर 21 के बाद प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन है आपके पास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। इसी को ऐसे ही पूछ सकता है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताएं। तो तटरेखा वाला राज्य, समुद्री सीमा वाले राज्य की अगर बात करें तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं? तो यहां से अगर काउंट करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक, केरला, केएल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद सबसे बाद में यहां पर कौन सा है, वेस्ट बंगाल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ राज्य ऐसे भारत में जो समुद्र के किनारे हैं। कहां पर हैं? जो समुद्र के किनारे हैं। अगर इनकी तट रेखा की बात की जाए तो इन राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा जो है वो जिस राज्य की, उसका नाम गुजरात है, और दूसरा कौन सा राज्य है, दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। तो गुजरात इसमें ऑप्शन में, इसलिए भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगर दूसरा पूछता तो हम क्या बताते, दूसरा पूछता तो आंध्र प्रदेश बता देते। दूसरा या गुजरात ना होता तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाता। आपको कम से कम टॉप दो तो याद रखने होंगे, टॉप के शुरुआत के दो याद आपको जरूर रखने पड़ेंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 के बाद प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 22 के बाद प्रश्न नंबर 23। भैंस घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर हम बात करें भैंस घाटी में, तो भैंस घाटी में भारत की कौन सी नदियां बहती हैं, तो भैंस घाटी में भारत की तीन नदियां बहती हैं। एक नदी का नाम है नर्मदा, एक नदी का नाम है ताप्ती, और एक नदी का नाम है दामोदर। तो भैंस घाटी में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है, तो इसमें से देखिएगा दामोदर तो पहली बात है ही नहीं, इन दोनों में या तो नर्मदा होगी या ताप्ती, गंगा और सोन नदियां नहीं है। तो नर्मदा और ताप्ती में अगर देखें तो नर्मदा नदी की लंबाई अधिक है और ताप्ती नदी की लंबाई उससे कम है। पूछ रहा है भैंस घाटी में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली पूछता या सबसे लंबी पूछता तो नर्मदा हो जाती, दूसरी पूछ रहा है तो दूसरी में क्या हो जाएगी, ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 का, ताप्ती नदी। ऑप्शन ए कौन सी नदी, तो ताप्ती नदी, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 23 के बाद प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24। गंगा एक्शन प्लान बखूबी पढ़ाया है, गंगा एक्शन प्लान GAP, ठीक ना, गंगा, राजीव गांधी सरकार के द्वारा गंगा की सफाई या गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चलाई गई एक कार्य योजना है गंगा एक्शन प्लान। पूछ रहा है गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी, 1982, 1988, 1985, 1982, 1988, 1985, 1987। तो राजीव गांधी की सरकार 1984 में आई और उसी समय गंगा एक्शन प्लान की बात की गई थी 1985 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985, अर्थात ऑप्शन सी, अर्थात ऑप्शन सी, ठीक ना। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, लेवल एक था, मंगलवार को, अगले मंगलवार को मिलेंगे लेवल दो के साथ, जिसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे इसकी अपेक्षा, लेवल तीन में इससे ज्यादा अपेक्षा, ठीक ना। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम क्या है, यानी गंगा की सहायक नदियां को हमें पश्चिम से पूर्व के क्रम लगाना है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, अच्छा ये नदियां हैं और इन नदियों को हम बखूबी जानते हैं, ये गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों का एक हम डायग्राम बना लेते हैं। गंगा नदी इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, गंगा नदी इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। गंगा नदी में सबसे पहले कन्नौज के क्षेत्र में आकर एक नदी मिलती है और इस नदी का नाम है रामगंगा। जहां पर आकर मिलती है उसी स्थान को देखा जाता है, कन्नौज है, K4 कन्नौज। गंगा नदी से एक नदी आकर मिलती है यहां पर प्रयाग, यानी इलाहाबाद में, प्रयागराज के क्षेत्र में। इस नदी का नाम क्या है, तो यह इस नदी का नाम है यमुना। और पीलीभीत जिले में फुलर से एक नदी निकलती है जो इलाहाबाद के आगे गाजीपुर के क्षेत्र में जाकर मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में जाकर एक नदी मिलती है, नदी का नाम है घाघरा। घाघरा के बाद एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है गंडक। गंडक के बाद एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है कोशी। और कोशी के बाद जो सबसे बाद में नदी मिलती है फरक्का बांध के समीप बिल्कुल यहां पर, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है महानंदा। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है महानंदा। कोशी और कोशी के बाद महानंदा। हमने आपको कई बार बताया कि आगे वाली दिशा पूर्व होती है, पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है। क्या पूछ रहा है, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व जाना है, यानी पीछे से आगे की ओर जाना है, पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से अगर पूर्व जाएंगे तो सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद उसी, उसके बाद महानंदा। यानी सबसे पश्चिम में रामगंगा और सबसे पूर्व में महानंदा। ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पश्चिम में कौन सी, रामगंगा, रामगंगा इसमें ही ऑप्शन मिल रहा है।
तीनों में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है आगे में नहीं मिलाना, ए हो जाएगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, देख लीजिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बोले भाई 25 प्रश्न थे, बखूबी कोशिश की गई आपको समझाने की और प्रैक्टिस कराने की। इसी प्रकार आगे भी प्रैक्टिस मिलती रहेगी आपको, बस आप लगे रहिएगा ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, एक सीट आपकी पक्की होगी लेखपाल में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।